हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ये खूबसूरत सा गुलाब के फूल का एक वीडियो लाए हैं। बहुत बनाने में आसान है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। हम सबसे पहले यहाँ से एक कॉर्नर में से जो भी पेटल बनानी है, हमने यहाँ से सुई निकाली। पेटल के ऊपर हमने पहले से लाइनें बना ली हैं, उसके हिसाब से हम थोड़ी दूर पर हमने इस तरह से सुई निकाली उसमें से। फिर दूसरी साइड भी ऐसे ही किया। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा स्टिच लेते हुए सीधी सीधी लाइनें डालने हैं। जिस शेप में पेटल है उसी शेप में हम सीधी सीधी ऐसे लाइनें डालेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से पूरे पेटल में सीधी लाइनें डालनी है अपने। देखिए, अब इधर से फिर से हम थोड़े से कपड़े में हमने इंसर्ट कर दिया है और पास में से ही यहाँ से हमने सुई को धीरे से निकाला और फिर अगली में ही जाकर सेम वही ढंग से बनाने लगे हैं। लास्ट में जो एक लौता बचता है उसके ऊपर भी एक बार रोटेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा कपड़ा ऊपर सुई में लेते हुए फिर पूरा हम स्टिच को फिर से इस डायरेक्शन में चला रहे हैं। बड़े ही आराम से ये पेटल बन रही है।
पेटल के शेप के हिसाब से जो हमारी स्ट्रेट स्टिच है वो छोटी बड़ी हो सकती है, पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो शेप हमें दे रहा है, अब इधर से जाएंगे हमारा मोटो ये है कि जो सीधी स्ट्रेट स्टिचेस डाली थी हमने सबसे शुरू में, वो कहीं से दिखे ना, उस पर इस तरह से रैप करा हुआ धागा ही दिखे हमें, तो पूरा हम उसी हिसाब से। और हमने इसके लिए जो धागा लिया है वो 3-ply का एक्रेलिक यार्न है, जो आराम से सब जगह अवेलेबल है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी 6 strand का धागा यूज़ कर सकती हैं, एंकर हो चाहे रंगोली हो, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, पूरे 6 strand यूज़ करिएगा। ये देखिए, अभी एक बार और फिर से हमें थोड़ी सी धागे खाली दिख रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा लेते हुए कपड़ा, यहाँ से निकाल लिया है, और जो बचा हुआ पोर्शन जरा से दिख रहे हैं धागे या स्ट्रेट स्टिचेस, उसको भी अब कवर कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये पेटल रेडी हो जाएगी। अगली पेटल में जाएंगे हम अगली पेटल में भी हम स्ट्रेट स्टिचेस सबसे पहले डालेंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पे, सीधी सीधी जैसी भी पत्ती की शेप है उसके आधार पे हम स्ट्रेट स्टिचेस डालते जाएंगे। ये देखिए, सीधी सीधी लाइनें हम डाल रहे हैं पत्ती की शेप के हिसाब से, पेटल की शेप के हिसाब से। ये देखिए, आराम से सीधी स्ट्रेट स्टिचेस बन रही हैं। और फिर जैसे शुरू में हमने आपको दिखाया था कि ये देखिए, ये पूरा पेटल बन गया हमारा। अब इसमें भी हम एक कॉर्नर पे से शुरुआत करेंगे, इसमें भी वैसे ही फिलिंग करेंगे, पहले पहले वाले धागे में, फिर पहले और दूसरे में, फिर दूसरे और तीसरे में, लगातार हम इसी तरह से धागों को भरते जाएंगे। ये देख रहे हैं कितने आराम से, जैसे हमने पहले पेटल बनाई थी सेम वैसे ही दो दो धागों को ले लेके, अब यहाँ पर सिर्फ एक ही लास्ट में लिया है, फिर थोड़ा सा कपड़ा ऐसे लेंगे और फिर पहले स्टिच में डालेंगे, फिर पहली और दूसरी में, सेम क्रम यही रहेगा। एक साथ शुरुआत में सिर्फ एक ही स्टिच लेते हैं स्ट्रेट वाली, और बाद में फिर दो दो स्टिच लेके धागा हम अपना इसके ऊपर लपेटते जाते हैं स्ट्रेट स्टिचेस के ऊपर। बहुत आराम से ये देख रहे होंगे आप, ऐसे ही पूरी पेटल्स को हमें बनाना पड़ेगा। हमने पूरी पेटल्स इसी ढंग से बना ली हैं, अब हम यहाँ पे कैसे लीफ बनाएंगे वो दिखाते हैं। एक कॉर्नर में से, एक सॉरी पीक पे से हमने अपनी सुई निकाल कर उसी के पास में बीच में एक इमेजिन करते हैं लाइन, और वहाँ से अपनी सुई को ऐसे निकालते हैं, और देखिए उसमें फंदा बना के हमने निकाला है। फिर दूसरी साइड में भी वैसे ही पास में से सुई लेते हुए बीचों उसी लाइन के पास से निकालते हैं फंदे के अंदर में से सुई, इस तरह से। ये क्रेटन स्टिच है, और इससे पहले जो हमने स्टिच आपको दिखाई वो हमारी कमल कढ़ाई स्टिच थी। ये देखिए, बहुत आराम से एक रैटन स्टिच भी बनती जाएगी। फिर दूसरी साइड से ऐसे ही लेंगे, थोड़ा सा बीच में ही निकालना है, और फिर लूप उसके ऊपर ऐसे। पूरी जितनी भी पेटल्स हैं, सॉरी लीव्स हैं हमारी, वो इसी ढंग से बनेंगी। बहुत ही आसान ये भी है, बिगनर फ्रेंडली, आप आराम से इसे कोई भी बना सकता है, क्योंकि इसमें कोई बहुत कठिन कढ़ाई नहीं है। ये इसी तरह से पूरी लीफ को कवर करना है हमें, एक बीच में चोटी जैसी बनती जाती है, आप देख पा रहे होंगे जब हम इस तरह से लूप इसमें सुई के ऊपर लगातार छुड़ाते जाते हैं तो बीच में एक चोटी जैसी बनती जाती है।
देखिए अब इस तरह से आसान और खूबसूरत लीफ है। आप देख रहे होंगे कि फ्लावर में हमने बीच में एक पोर्शन छोड़ रखा है, वहां पे हम सेम जैसे हमने और पेटल्स बनाई है वैसे ही बनाएंगे, लेकिन येलो कलर से बनाएंगे। लीफ हमारी लगभग कंप्लीट होने को है। अब हम आपको दिखाएंगे कैसे बंद करते। देखिए यहाँ पर हमारा खत्म हुआ। इस लूप के बाहर थोड़ी दूर पे अपनी सुई को ऐसे इंसर्ट कर देते हैं। ये लूप है, इसके बाहर पे इंसर्ट कर दी है और नीचे जाके नॉट लगा लेंगे। सारी पेटल्स ऐसे ही बनेंगी लीफ। अब हम यहाँ पर बनाएंगे येलो कलर से। बीच में येलो रंग का हमने डबल धागा ले लिया है। हमने सारे धागे डबल ही यूज किए हैं। ये देखिए, ये क्योंकि ज़्यादा ही कर्वी है इसलिए हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। सीधी लाइनें, स्ट्रेट लाइंस हम डाल रहे हैं यहाँ पर और सेम वैसे ही हम फिल करेंगे जैसे हमने और पेटल्स के लिए फिल किया है। ये देख पा रहे होंगे आप कितने आराम से स्ट्रेट स्टिचेस हम डाल रहे हैं। ये स्ट्रेट स्टिच डाल दी, फिर यहाँ से निकाल के और पहला, फिर पहला और दूसरा ऐसे करते हुए पूरे में भर देंगे हम सेम वही प्रोसेस से आराम से। फिर यहाँ पर कपड़े में से गुजार देंगे। पूरे में हमें इसी ढंग से करना है। ये येलो रंग बीच में हमारी जो बीच की पत्तियां होती है उनको शो कर रहा है। ऐसे ही पूरा भरा जाएगा ये। इसके बाद अभी सभी पेटल्स में हम आउटलाइंस करेंगे डार्क कलर से। पूरा येलो पोर्शन हमें सेम प्रोसेस में कवर करना है। अब देखिए नीचे पे पूरा फिल हो चुका है। ऊपर के पोर्शन में अब हम सुई ले जाकर ऊपर वाला भाग सिर्फ भरेंगे। ये देखिए अब नीचे तक हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ऊपर तक जा रहे हैं। फ्लावर पूरा होने के बाद हमने सिंगल स्ट्रैंड लिया है डार्क कलर का, पिंक ही है ये भी, डार्क कलर है। और हम जितनी भी हमारी पेटल्स है सबको अलग अलग दिखाने के लिए उसके ऊपर हम स्टेम स्टिच पूरे में बनाते हुए जाएंगे। स्टेम स्टिच ही बहुत ही आसान स्टिच है। ये देख पा रहे होंगे आप, हमने एक जगह से धागा निकाल कर फिर ऐसे पूरे में वापस जाते हैं थोड़ी दूर पे और इस तरह से हमारी ये स्टेम स्टिच इसे आउटलाइन करने में हम यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही आराम से और बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है हमारी ये स्टेम स्टिच। पूरे में सभी पेटल्स को अलग अलग करके हमने इसी तरह से आउटलाइनें करी है। ये देखिए ये पेटल हमने अलग करना है आगे की पेटल में से। ये देखिए अलग दिखने लगेगी जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा हमारी आउटलाइनें। अब दूसरी पेटल के ऊपर हम जाएंगे, दूसरी पेटल पे भी सेम ऐसे ही करेंगे। इस तरह से ये फ्लावर हमारा रेडी होने वाला है। पूरे में ऐसे ही करना है। देखिए इस तरह से हमारा ये मोटिव रेडी हो गया। हमने अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही और वीडियो के लिए हम सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ये देखिए, थैंक यू।